संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर घिरी महुआ मोइत्रा पर उनकी पार्टी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी बोलने से बचती आ रही है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से अपनी सांसद के समर्थन में खड़ी दिखती है। इनमें टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। उनका मानना है कि महुआ मोइत्रा अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। टीएमसी महुआ मोइत्रा से पल्ला नहीं झाड़ना चाहती क्योंकि इससे कांग्रेस और लेफ्ट इसे मुद्दा बनाकर उस पर हमले कर सकती है और टीएमसी पर बीजेपी के प्रति नरम होने का आरोप लगा सकती है। टीएमसी का कहना है कि अगर एथिक्स कमेटी के पास कुछ भी ठोस नहीं है और अगर ये जांच का विषय है तो फिर महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है और एथिक्स कमेटी ने एक चीज जितना डिसेंट नोट का पोर्शन कल मेरे पास आया उसमें एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने लिखा है कि भाई इनके खिलाफ कुछ है तो आप इन्वेस्टिगेट करो, अगर आपके पास नहीं है एंड इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन तो आपने एक्सपल्शन कैसे रिकमेंड किया। मेरा सवाल बस इतना है और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा इज कॉम्पिटेंट इनाफ टू फाइट अ बैटल ऑन हर ओन। मुझे भी चार साल से ये बुला रहे हैं, पूछताछ कर रहा है, अलग अलग केसेस में अटैक कर रहे हैं, एक में कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरे में अटैक कर रहे हैं, दूसरे में कुछ नहीं मिल रहा है तो तीसरे में अटैक कर रहे हैं, वो इनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है।